नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें, एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। कार निवृद्धक को कुचला, 17 मूर्ति बिक्री केंद्रों पर हुई कार्यवाही, गांजा तस्कर को 12 साल कारावास की सजा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। कार निवृद्धक को कुचल डाला, नागपुर में दोपहिया की टक्कर से गिरे वृद्धक को कार से कुचल डाल दिया गया। यह हादसा गुरुवार की सुबह हसादर के मेशराम पुतले के पास हुआ। मृतक वसंत गेड़ाराम है, जो कि कुंबली मोहल्ले का जरी फटका निवासी है। सुबह 11 बजे के दरमियान दोपहिया पर सवार होकर दवा लेने के लिए वह सेमिनरी हिल्स जा रहा था, तभी यह हादसा हुआ। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। 17 मूर्ति विक्रेता केंद्रों पर की गई कार्यवाही। महानगर पालिका के उपाध्यक्ष में गुरुवार को शहर के 93 मूर्ति विक्रेता केंद्रों की जांच की गई। इसी पीओपी की मूर्तियां पाई गई, प्रत्येक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाकर उनमें से 69 मूर्तियां जब्त कर ली गई। पिछले सप्ताह एनडीआरएस कर्मचारियों ने सर्वाधिक 5 कार्यवाही गांधीबाग जोन के अंतर्गत की गई थी। इसके साथ ही धर्मपेट जोन अंतर्गत और हनुमान नगर, नेहरू नगर, लकड़गंज, असीमपुरा जोन में 2-2 कार्रवाई की गई। मंगलवार में जोन के 3 मूर्तियां बिक्री केंद्रों पर 10,000 रुपए का जुर्माने लगे। आगे बढ़ते अगली खबर की ओर। गांजा तस्करों को मिली 12 साल की कारावास। नागपुर में विशेष सत्र न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद नालरकर ने गुरुवार को एक गांजा तस्कर को 12 साल संरक्षण कार्रवाई और 1,00,000 रुपए का जुर्माना सुनाया। यह जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त 1 साल की कारावास सजा और भुगतनी पड़ेगी। आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी आस मोहम्मद शुकुम है, जो कि बुटीबुरी पुलिस को आसम मोहम्मद की कार से 6,75,000 रुपए का गांजा मिला था। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर को और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं। अब वक्त शायद दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, दिस इज अभिजीत सावंत एंड यू आर वाचिंग एमएनएस न्यूज। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।